नमस्कार किसान भाई। किसान भाई, जब आपका नरमे का पौधा पूरा फाड़ उठा रखा है, उसके बाद फाड़ गिरने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है जिसमें फुलगिटी गिरकर पौधे के ऊपर ही लटक जाती, नीचे नहीं गिरती जमीन पर, पौधे के ऊपर ही लटकी रहती है। दूसरा होता है हरी फुलगिटी, मतलब हरे रंग से, मतलब फुलगिटी उठा रखे, फूल बना हुआ है और हरे रंग से ही गिर रही। तीसरा कारण होता है फुलगिटी पीली पड़कर गिर रही। इन 3 तरह से फूल हमारे जो नरमे का फाड़ है या फूल है, जो जिसे हम कहते हैं, वो गिर रहा है, तो इन 3 तरीके से ही गिरता है। पहला होता है जिसके नरमे के टहनी के ऊपर ही लटक रहा है सूख कर, ठीक है, लटक रहा है सूख कर। और दूसरा कारण होता है कि हरा ही फूलगिट्टी गिरी है। तीसरा होता है कि पीली पड़कर गिर रही है। तो इन तीनों के निवारण के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, NPK 13045, बोरॉन, मैग्नीशियम। ये जो तीनों समस्याएं हैं, इन तीनों चीजों से जो है सही हो जाएंगी। इन तीनों को स्प्रे कब करना है, जब तो नरमे की आपकी अच्छी हाइट हो, 4 से 5 फीट हाइट हो, और आपका नरमा अच्छा फाड़ उठा रहा है और ज्यादा, थोड़ा ज्यादा फाड़ गिर रहा है। तो अगर आपका फाड़ अच्छा उठा, उससे पहले अगर आप स्प्रे कर दें तो आपका फाड़ गिरेगा ही कम। अगर आप बहुत ज्यादा फाड़ गिर रहा है उसके बाद करें, तब भी आपको नुकसान होगा, उन जितना फाड़ गिर गया वो नरमा कम हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान कि आपको सही समय पर करेंगे तो सही पैदावार। इसकी 2 स्प्रे सबसे ज्यादा जरूरी है। एक नरमे की चुगाई हमारे यहाँ करीबन 2 से 3 बार की जाती है, कम से कम भी 2 और ज्यादा ज्यादा हम 3 बार करवाते हैं। जब पहली चुगाई से पहले हमारा अच्छा नरमा चुक रहा, उस समय कर देते हैं, एक चुगाई करवा कर दूसरी बार कर देते हैं। तीसरी बार नहीं करते, उस समय क्या हमें नरमा पटना होता है, बस चुगवा कर ऊपर के टेंडे तोड़वा कर हम घेर लेते हैं। तो इस बात का विशेष समझना है कि आपको 2 स्प्रे करनी है, जिसमें आप कर सकते हैं 13045, बोरोन, मैग्नीशियम। कंपनी की बात करें तो आप चाहे जो कंपनी यूज कर सकते हैं, ज्यादा कोई ये महंगा प्रोडक्ट नहीं आता है। जैसे अगर दूसरी कंपनी में बात करें, कोई और चीजें हम खरीदते हैं तो वो काफी महंगी होती है, पर ये इतना महंगा नहीं होता। और इसमें आपका अगर जैसे फाइट फ्लाई का रोग आ रखा है, सरा तेल आ रखा है और भाई ये चीजें आ रखी, तो इससे 13045 ना करें। इससे 13045 करने से पहले एक टारा प्रोक्लिन ले लो, होने में अगर डेलीगेट भी कर सकते हो, उलाला भी कर सकते, पर ये महंगी ज्यादा आती है। सस्ती की बात करें, जो मतलब ज्यादा सस्ती नहीं, बीच के लेवल की बात करें, जो अच्छा रिजल्ट भी दिखा रहे, उलाला या डेलीगेट जैसी दवाइयाँ जो अपने कीटनाशक आते हैं, ये करते क्या है, इनका रिजल्ट लंबे समय तक तो होता है, बट ये जो टारा प्रोक्लिन लेनो है, इनका थोड़ा कम समय होता है, फिर भी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। इकटारा प्रोक्लिन लेनो करते, उसके थोड़े दिन बाद आप 13045 और बोरोन मैग्नीशियम, अगर डालने में आप चिलेटेड जिंक भी डाल सके, ज्यादा महंगा नहीं आता पर आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो इन चीजों को मिलाकर सही समय पर स्प्रे करें, आपको एक अच्छी पैदावार मिलेगी नरमे के अंदर, कॉटन के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर भी आपका कोई सवाल तो प्लीज कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।